नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और इंडियन पॉलिटी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी को यम लक्ष्मीकांत सर की बुक के अनुसार डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने 11 अध्यायों को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपने उन 11 अध्यायों के वीडियो देखे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे संसदीय व्यवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और समझेंगे कि आखिर में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है और किस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार होती है उससे ये किस प्रकार से अलग होता है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 अध्याय हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यम लक्ष्मीकांत की बुक के अनुसार पार्ट एक के अंतर्गत 11 अध्याय थे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट दो में, यानी कि भाग दो में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है सरकार की प्रणाली, या जिसे हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें कुल मिलाकर के 5 अध्याय पढ़ने हैं, जिनमें पहला आपका है संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा हमारा है संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, तीसरा हमारा है केंद्र राज्य संबंध जिसे हम सेंटर स्टेट रिलेशंस कहते हैं, उसके बाद में हमारा है अंतर्राज्यीय संबंध जिसे हम इंटर स्टेट रिलेशंस कहते हैं, और फिर इस भाग के अंतर्गत हमारा 16वां अध्याय होगा आपातकालीन उपबंध जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। तो इन अध्यायों को हम लोग इसी वीक में समाप्त कर देंगे और फिर हम संघ की कार्यपालिका की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है और इस संसदीय व्यवस्था को हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 है, ये मुख्य रूप से केंद्र में संसदीय व्यवस्था के बारे में बताता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 163 यहाँ पर होगा 163 एंड 164 है, ये आपका राज्यों में केंद्रीय व्यवस्था के बारे में बताता है, संसदीय व्यवस्था के बारे में बताता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताते हैं, और आर्टिकल 163 और 164 राज्यों में पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताते हैं। अब अगर हम लोग किसी भी देश में लोकतंत्र के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको दो तरीके के लोकतंत्र देखने को मिलेंगे। एक हमारा होता है जिसे हम कहते हैं संसदीय लोकतंत्र या संसदीय व्यवस्था, दूसरा हमारा होता है राष्ट्रपति पर आधारित, यानी कि जिसे हम लोग राष्ट्रपति की व्यवस्था कह सकते हैं, या फिर इसे और बेहतर तरीके से हम लोग अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार कहते हैं। अब संसदीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आपको कार्यपालिका मिलेगी जो अपनी नीतियों के लिए और अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसके अलावा यहाँ पर कैबिनेट सरकार होती है जो कि वेस्टमिंस्टर स्वरूप के पर आधारित है, और इसकी उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड में। मुख्य रूप से जो संसदीय व्यवस्था है ये सबसे पहले शुरू हुई थी इंग्लैंड में, और वहाँ पर वेस्टमिंस्टर नामक जो प्रारूप था उसी पर ये आधारित थी। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं संसदीय व्यवस्था को ही। तो यहाँ पर अगर हम संसदीय व्यवस्था के बारे में बात करें तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत, यहाँ पर आपको संसदीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। अब इसके विपरीत अगर हम लोग राष्ट्रपति वाले सरकार के बारे में बात करते हैं जहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, तो वहाँ पर जो आपकी विधायिका होगी वो स्वतंत्र होती है, यानी कि जो भी हमारी वहाँ पर कार्यपालिका होगी वो विधायिका से स्वतंत्र होती है और उसके प्रति किसी भी प्रकार का उसका उत्तरदायित्व नहीं होता है। अब ये कैसे होता है अभी हम लोग आगे की स्लाइड में इसको और बेहतर ढंग से समझेंगे। गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय, और यहाँ पर एक निश्चित कार्यकारी व्यवस्था होती है। इस प्रकार की सरकार आपको अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और श्रीलंका में देखने को मिलेगी। अब चलिए संसदीय सरकार की हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है कि यहाँ पर आपको दो प्रकार की कार्यपालिका मिलती है, एक तो हमारा होता है नामित और एक हमारा होता है वास्तविक। नामित का मतलब है जैसे कि आप भारत में देख सकते हैं प्रेसिडेंट, जैसे कि रामनाथ कोविंद हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, तो ये हमारे नामित कार्यपालिका के प्रमुख हैं, यानी कि ये मुख्य रूप से एक संविधान के द्वारा नियुक्त किए गए प्रमुख अधिकारी हैं हमारे कार्यपालिका के। लेकिन अगर हम लोग वास्तविक यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से जो सारी शक्तियाँ निहित होती हैं संसदीय व्यवस्था में वह होती हैं वहाँ के प्रधानमंत्री के अंदर,
और ये हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो संसदीय सरकार में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक है नामित कार्यपालिका और एक आपकी होती है वास्तविक कार्यपालिका। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगली विशेषताओं में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर नेतृत्व होता है, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारा मंत्रिमंडल होता है या जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट यहाँ पर कार्य करता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमारा निचला सदन होता है उसका विघटन हो जाता है। निचला सदन का मतलब क्या हुआ, लोकसभा। लोकसभा का यहाँ पर विघटन होता है और मुख्य रूप से इस विघटन के लिए जो हमारा पीएम होता है वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, या फिर जब इस पार्टी का जो सत्ता में है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा यानी कि 5 वर्ष बीत जाएंगे तो उसके बाद में निचले सदन का विघटन होगा और पुनः यहाँ पर चुनाव होते हैं। आगे अगर हम लोग विशेषताओं में बात करें तो यहाँ पर एक विशेषता आती है गोपनीयता की, यानी कि जो भी हमारे मंत्री होते हैं वह गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि उनकी क्या नीतियाँ होंगी, किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, किस प्रकार की कार्यवाहियाँ होंगी, इसके बारे में उन्हें सूचना नहीं देनी होती है। और आप देखते होंगे कि जब भी मंत्री शपथ लेते हैं तो वो गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दोहरी सदस्यता देखने को मिलेगी। अब ये थोड़ा आपको ध्यान देना है दोहरी सदस्यता किस प्रकार से होती है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक हमारा होता है कार्यपालिका और एक हमारा होता है विधायिका। कार्यपालिका में कौन आते हैं, जिनके द्वारा मुख्य रूप से नीतियों का निर्माण होता है या जिनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि हमारे मंत्री हो गए, जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान में जो हमारे केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। अगर हम लोग विधायिका के बारे में बात करें तो विधायिका मतलब है कि वह सारे लोग जिनके द्वारा विधान बनाए जाते हैं, यानी कि संसद के सदस्य। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपके मंत्री हैं वह विधायिका के भी हिस्से हैं, यानी कि विधायिका के भी वह पार्ट हैं, क्योंकि जब तक कोई विधायिका का पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब सांसद नहीं होगा, तब तक उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को बना दिया जाता है लेकिन उनके लिए भी कंडीशन है कि 6 माह में उन्हें किसी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या समझें कि कोई अगर हमारा मंत्री है तो उसके पास होती है दोहरी सदस्यता, यानी कि एक तो वो होता है कार्यपालिका में भी और दूसरा वो होता है विधायिका में भी। तो इसी के बारे में बताई गई है दोहरी सदस्यता यहाँ पर होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलेगी। क्यों एकरूपता देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे वर्तमान में ही देख लें तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो उस समय एक ही राजनीतिक पार्टी के सारे मंत्री होते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर एक राजनीतिक दल होगा तो एक समान उनकी राजनीतिक विचारधाराएँ भी होती हैं, और किसी भी कार्य को करने में या किसी भी नीति निर्माण में आसानी के साथ में उन चीज़ों को लागू किया जा सकता है। अगली विशेषता में बात करें तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे मंत्रियों के द्वारा वह सारे संसद के प्रति एक समान रूप से यानी कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 75 के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है वह एक गठबंधन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक पूरे निकाय के रूप में कार्य करता है, और ये सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत होता है उसी के आधार पर ये काम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व, और ये उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, संसद के प्रति, मंत्री लोग। आगे हम बात करेंगे बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। इसका मतलब क्या है कि चुनाव होगा, चुनाव के बाद में जिस दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है वह आसानी से सरकार बनाएगी, उसको राष्ट्रपति इनवाइट करेगा, या अगर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो जिस दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है उसे राष्ट्रपति यहाँ पर सरकार बनाने के लिए इनवाइट करता है। तो जिसका भी बहुमत होता है वही शासन करता है। तो ये हमारी हो गई संसदीय सरकार की विशेषताएँ। अब इसके विपरीत अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी अमेरिका में। जैसे आप देखते होंगे कि अमेरिका के आपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुना होगा, राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विपरीत चीज़ें देखने को मिलेंगी। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो राज्य होता है या जो सरकार होती है उसका मुखिया एक होता है, और वो कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री या कोई अन्य नामित या वास्तविक नामक कार्यपालिका नहीं होती है।
आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक ही सदस्यता होती है, यानी कि कार्यपालिका पूरी तरीके से अलग होती है और विधायिका यहाँ पर पूरी तरीके से अलग होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का यहाँ पर पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी हमारे सांसद होते हैं, अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चलती है, वहाँ पर ये ऐसा नहीं होता है कि जो भी मंत्री हैं वह संसद के भी सदस्य हों, यानी कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। तो पूरी तरीके से राष्ट्रपति का यहाँ पर नियंत्रण होता है, जिसे चाहे वह उसे मंत्री बना सकता है और जब चाहे उन्हें आसानी से हटा भी सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो निचले सदन का यहाँ पर विघटन नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर विघटन हो जाता है, उस प्रकार से अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पर निचले सदन को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसका विघटन नहीं होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर निश्चित निर्वाचन अवधि होती है, यानी कि अगर एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया तो वो 4 सालों तक रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर भी 5 सालों का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार है और गठबंधन टूट गया तो 5 साल के पहले भी ये चले जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में ऐसा नहीं होता है, कभी अगर महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया गया तभी ये हटेंगे, नहीं तो इनकी निश्चित अवधि होती है। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो उत्तरदायित्व का यहाँ पर अभाव होता है। क्यों अभाव होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जो यहाँ पर मंत्री होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और संसद से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए वे अपने किसी भी निर्णय के लिए इनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये हमने बात की राष्ट्रपति व्यवस्था के बारे में। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो संसदीय व्यवस्था होती है इसके गुण क्या क्या हैं। आइए गुणों को देखते हैं। सबसे पहली बात कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य यहाँ पर सामंजस्य देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी कार्यपालिका होती है वह इसी विधायिका से आती है, तो इसीलिए दोनों के बीच में आपको समानताएँ दिखेंगी और विवाद होने के बहुत ही कम अवसर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात हो गई कि यहाँ पर उत्तरदायी सरकार होती है, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे या कार्यपालिका के द्वारा जो भी चीज़ें की जाएंगी उसका जवाब उन्हें संसद में देना होता है। अगला हमारा हुआ कि निरंकुशता पर यहाँ पर प्रतिषेध है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर निरंकुश नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के साथ में जो उनका मंत्रिपरिषद होता है उसमें भी होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर निरंकुशता पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी दल ने बहुमत खो दिया है तो उस समय यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कि वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था यहाँ पर बनी रहती है। या मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक सरकार गठबंधन से चल रही है, उसने गठबंधन उसका जो है वो टूट गया, तो उसके बाद में दूसरा गठबंधन यहाँ पर सरकार बना सकता है। तो इस प्रकार की वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कहा गया है कि जो विपक्ष का नेता होता है वह एक तरीके से वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। विपक्ष का नेता वो होता है जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका जो नेता होता है उसे हम लोग विपक्ष का नेता कहते हैं। और व्यापक प्रतिनिधित्व भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न लोग यहाँ पर चुन के आते हैं, कार्यपालिका बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनती है, बहुत सारे इसमें मंत्री होते हैं, तो इस प्रकार से सभी वर्गों का और लगभग सभी क्षेत्रों से मंत्री रखे जाते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी एक खास जाति के मंत्री सारे हों या किसी खास एक एरिया के सारे मंत्री हों। आप देखेंगे कि लगभग भारत के सभी एरिया से आपको एकाध मंत्री देखने को मिलते हैं। तो ये सारे गुण होते हैं संसदीय व्यवस्था के। अब कुछ अगर हम लोग दोषों की बात करें तो कुछ दोष भी हैं, जैसे कि अस्थिर सरकार होती है। मतलब क्या है कि अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बन गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत से नहीं बना तो यहाँ पर आपको अस्थिर सरकार देखने को मिलती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो नीतियों की निश्चितता यहाँ पर नहीं होती है, इसका यहाँ पर अभाव आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है? आप देखते होंगे राज्यों में, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि किसी सरकार के द्वारा कोई योजना चल रही होती है, दूसरी सरकार आती है उसको बदल देती है, फिर इसके द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, अगली सरकार आती है उसको बदल देती है। तो नीतियों में निश्चितता आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जब 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जब मोरारजी देसाई हमारे यहाँ के पीएम बने थे,
तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के बहुत सारे फैसलों को बदल दिया। बाद में 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने क्या किया, जो 1977 में इन्होंने बदला था उन्होंने उसको बदल दिया। तो इस प्रकार से नीतियों की अनिश्चितता आपको देखने को मिलती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो मंत्रिमंडल की यहाँ पर निरंकुशता आप कह सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, व्यक्ति विशेष की निरंकुशता मुश्किल है, लेकिन मंत्रिमंडल की निरंकुशता आपको देखने को मिलेगी, खासतौर पर तब जब ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। जैसे कि आप वर्तमान में देख सकते हैं, अगर हमारे यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है किसी भी, तो मंत्री आपको निरंकुश देखने को मिल सकते हैं और उनके पास असीमित शक्तियाँ उस समय हो जाती हैं। और इसी प्रकार की एक शक्ति का आप उदाहरण देख सकते हैं, हालांकि ये पॉजिटिव वे में किया गया कि जो धारा 370 था, यानी कि आर्टिकल 370 था, या फिर हम आर्टिकल 35 ए की बात करें, उसको हटा दिया गया, क्योंकि अभी तक भारत की किसी भी सरकार ने इतना हिम्मत नहीं किया था या इतनी उनके अंदर विल पावर नहीं थी कि वह इसको हटा सकें। तो ये आप निरंकुशता से नहीं रिलेट कर सकते हैं, लेकिन पावरफुलनेस से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि शक्तिशाली सरकार थी तभी उसने इतना कठिन निर्णय ले पाया। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर शक्ति पृथक्करण की ये विरुद्ध होती है। इसका मतलब क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में एक साथ जुड़े होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। यही हमारा है शक्ति पृथक्करण के बारे में। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। अब हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं डिस्कस करना है, बस केवल आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए संसदीय व्यवस्था के बारे में। तो संसदीय व्यवस्था हमने जान ली है, अगला जो अध्याय होगा उसमें हम लोग संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और संघीय सरकार, इसके अलावा एकात्मक सरकार क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।